समय हो रहा था शाम का और मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा होता है, तो बस में चला जाता हूँ अपनी दीदी पास और उनसे मोमोज बनाने के लिए मिन्नतें करने लगता हूँ। पहले तो वो बहुत भाव खाती है, लेकिन इतनी सारे मिन्नतें करने के बाद वो एक शर्त पे मान ही जाती है, और शर्त ये होती है कि अगर मुझे मोमोज खाने तो जितनी भी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग है वो मुझे ही करनी होगी। तो बस मैं एक चाकू पकड़ के चालू हो जाता हूँ सब्जियों की कटिंग चॉपिंग करने में, और अब मैं जैसे इस काम को खत्म करता हूँ वैसे ही दीदी का दूसरा ऑर्डर होता है आटा सानने का। और अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मोमोज तो मैदे से बनता है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स क्या है कि मेरी दीदी थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस है और आटे के भी बने मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखना। तो दोस्तों अब मैं चुटकी बजाते ही आटे को सान लेता हूँ बिल्कुल ऐसे। तो इधर दीदी ने सारे सब्जियों को भुनकर तैयार कर लिया होता है और आटे से बने छोटे छोटे लोहे को बेलना भी चालू कर देती है, और मैं साथ ही साथ उनमें सब्जियां भरकर रेडी करते जाता हूँ। और आप मुझे कमेंट बताइए कि क्या मैंने मोमोज को अच्छे से फोल्ड किया या फिर नहीं। फिर अब हम सारे मोमोज को स्टीम करने के लिए इडली मेकर में डाल देते हैं, और अब 10 मिनट तक का वेट करने के बाद हमारे मोमोज बनकर रेडी हो चुके होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आटे के भी बने मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, तो जाइए आप भी इस मोमोज को ट्राई कीजिए। और अब मैं भी जा रहा हूँ सारे मोमोज को सफा चेक करने के लिए, जो कि मैं कैमरे में बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। तो बाय बाय।